सेकंड है, कल थर्ड है, फोर्थ से स्कूल स्टार्ट है बेटा। ये बताओ मैंने कितने साल बाद खाया है? मेरे ख्याल से कोरोना से पहले बात कर रहे, इनको बोलने तो इनको कुछ नहीं पता होगा। उठो ना बहुत टाइम हो गया, चलो 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 उठ जाओ। उसी उठो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और ये है मेरे दो बंदर, क्या कर रहे हो भाई? यार बच्चे नहीं कह सकते थे, बंदर कहना जरूरी था। यस, बोथ ऑफ यू आर बंदर। अब तुम्हारा तो हमेशा सोने का ही टाइम होता है। गोलू को निन्नू आई अच्छे से? मैं गोलू को निन्नू आई अच्छे से? निन्नू आई? इसका जवाब नहीं देना। निन्नू अच्छे से आई? पहले बताओ निन्नू अच्छे से आई? बताओ पहले निन्नू अच्छे से आई मेरे गोलू को? हाँ मेरा गोलू। बस टॉफी है। टॉफी है? आप निन्नू में भी टॉफी खा रहे थे? निन्नू में भी टॉफी खा रहे थे? टॉफी खा रहा था, मैंने उसे दे रखी थी ना। मैं आम वाली टॉफी खा रहा हूँ। आज सुबह से ब्रेड को लेकर बैठा हुआ है, कह रहा है मुझे ब्रेड ऑमलेट बना दो, ब्रेड ऑमलेट बना दो। लेकिन मैं बनाऊँ कहाँ से, घर में अंडे खत्म हो चुके हैं। उसके पापा को बोला अंडे लेके आओ, लेकिन उसके पापा बैठे हुए आराम से, उनके जाने का मन नहीं है। उसके साथ पापा भी गए थे स्विमिंग के लिए। पापा कह रहे थे मैंने ज्यादा अच्छी करी स्विमिंग, पापा ने तो बहुत जल्दी सीख लिया। पापा ने भी तो इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शन सुने थे ना? पापा ने इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शन सुने थे और पापा ने कर लिया था। थोड़ा बहुत पापा को आता था, ऐसा नहीं कि पापा को बिल्कुल नहीं आता था, बट फिर भी पापा ने कर लिया ना। नहीं पापा मुझे ही बताया जा रहे थे, फिर पापा खुद कर रहे थे। अब तुम कैसे करोगे पापा जैसी, कब तक कर लोगे? मैंने कर रहा था थोड़ा बहुत पापा जैसी। अच्छा, पापा को बोला नहीं मैंने, रिकॉर्ड कर लिया। क्या लिखा हुआ है इसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? देखो कोई भी चीज लेते हो तो आप उसको कैसे देखोगे? 7 क्या लिखा हुआ है? कोड लिखा हुआ है ना, 7 तारीख यूज बाय लिखा है इन्होंने। ये नहीं लिखा कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या, एक्सपायरी क्या है। यूज बाय 7th ऑफ जुलाई, यानी कि आपको 7 जुलाई तक इस ब्रेड को कंज्यूम कर लेना है। अभी आज क्या, आज आई थिंक 2nd जुलाई है ना? सेकेंड है, कल थर्ड है, फोर्थ से स्कूल स्टार्ट है बेटा। यिप्पी, स्कूल स्टार्ट। उसमें कैलोरीज वैलोरीज है? हाँ सारी बता रखी। यस, वी हैव मेड आवर पैकिंग ब्राइटर टू मैच द जॉय ऑफ इंडियास बिलवड ब्रेड। वाओ, अपनी तारीफ खुद के मुंह से कर रहे हैं। और भी सुनिए, आवर इंडिया इज वाइब्रेंट एंड सो इट इज न्यू लुक एंड फील ऑफ हार्वेस्ट गोल्ड। Gold care apni harvest, but worry not, the brand you have grown and love it since. Wow, mile itne pyare pyare shabd. 23 means the same familiar taste. Wow, ye log to taste ko bhi nahi choda hai logon ne. And quality ingredients, itne to ingredient to khair hai no. Abhi to aage suniye. आज भाई ब्रेड पे पूरी रिसर्च कर देगा। रास्ते को इंग्लिश में लिख दिया। व्हाइट कलर की टेबल बनाई है, उसमें देखो क्या क्या मिलता है आपको, क्या क्या मिलता है इस ब्रेड को खाने से, वो सब लिखा होता है। 237 कैल, जो कि मिलता नहीं है। कैलोरीज मिलती है, मिलती है। वो भी ये लिखा होगा कितनी सर्विंग पे है, पर 100 ग्राम से ऐसा। गाइस, किस किस को ब्रेड पे मलाई लगा के खाना पसंद है? मुझे पता है कई लोगों को मलाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं है, बट मुझे ब्रेड पे मलाई खाना बहुत अच्छा लगता है। इवन जो वो जो 3 परांठे होते हैं ना नमक वाले, उसमें मेरे को याद है हमारी मम्मी हमें बचपन में देती थी परांठे के साथ मलाई लगा के, हाँ, और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देती थी, बहुत टेस्ट लगता था मुझे, तो वही आदत पड़ी हुई है अभी भी। तो मुझे ऐसा सच मलाई खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे तो अच्छी लगती है मलाई। मेरा सबसे फेवरेट जंक फूड है पिज्जा एंड मैगी एंड बर्गर। काफी टाइम से नहीं खाया ना हमने पिज्जा? हाँ, हमने काफी। पापा की पार्टी भी ड्यू है। पापा पिज्जा नहीं खिलाया तुमने? तुम्हारी पार्टी भी ड्यू है, प्रमोशन हो गया तुम्हारा? प्रमोशन हो गया पापा? सैलरी तो आजकल सिर्फ स्कूल वालों की बढ़ती है हर साल 10%, मतलब हम लोगों को 10% का इंक्रीमेंट नहीं मिलता। कहाँ मिलता है 10%? जॉब वालों को मिलता है इंक्रीमेंट हर साल ईश्वर, है ना? और स्कूल 10% फीस बढ़ाता है, इमेजिन। मेरे में ना एक चैप्टर है, मुंगेरी वाला चैप्टर है, एक करामाती टोपी। में ना एक लड़का जा रहा था, एक
पहले तो हंसे जा रहा था सुनने के लिए बैठे हैं पापा श्रोता हमारे टाइम पे भी होता था ना, तूने टेली सीरीज भी देखी, एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक आता था मुल्ला नसरुद्दीन वाला है ना, उस मुल्ला नसरुद्दीन अलग था, मुंगेरी लाल अलग था, कैरेक्टर एक ही था, मुल्ला नसरुद्दीन और वो वही बहुत दोनों में मतलब एपिक स्टोरीज होती थी उसमें, सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता था वो मुल्ला नसरुद्दीन अभी भी आता होगा उसमें टीवी में, हम लोग देखते नहीं है, हाँ यूट्यूब वगैरह में होगा वो देखा कर बहुत मजेदार लगता है उसमें। तो फाइनली उसकी करामाती टोपी की स्टोरी खत्म हो गई है, जिसे सुन सुन के मतलब कहानी अच्छी सुना रहा था लेकिन काफी लंबी थी, इतना तो सुन नहीं सकते आप लोग भी पक जाओगे। चलो टीवी बंद करो, चलो चलो चलो, नहीं बस बहुत हो गया, काफी देर से देख रहे हो, चलो बंद करो। हाय गाइस वेलकम बैक। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मुझे और यशवंत को जाना है ग्रॉसरी लेने के लिए। ग्रॉसरी तो मतलब थोड़ा बहुत ही है, ग्रॉसरी तो पहले ही आ चुकी थी, बस थोड़ा बहुत सामान कुछ रह गया था तो वो लेने जाना है, प्लस उत्कर्ष को लेना है अपना एक वाटर बॉटल, तो उसके लिए एक नई वाटर बॉटल लेने जा रहे हैं, और छोटा मोटा छिटर पुटर का थोड़ा बहुत सामान लेने निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं 12, पता नहीं कब हम वापस आएंगे, कब मैं लंच बनाऊंगी कुछ पता नहीं, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आपकी जो वॉइस है वो मैटर करती है। हाय मेरा नाम है दिव्या। हर रोज 12 बजे एक चिट्ठी लेकर आती हूँ, उसको मैं लिखती हूँ। सो बेसिकली एक कपल अलग हो रहा है क्योंकि जो वाइफ है उसी की बेस्ट फ्रेंड ने उसके हस्बैंड के साथ एक रिलेशन रखा। ये आज चिट्ठी आई थी, उसको मैंने 2 मिनट में बांधने की कोशिश की है। एंड वेल यू नो व्हाट, समटाइम्स लिखकर बहुत दिल हल्का हो जाता है। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's. भैया आम कैसे हैं? 80. तू सामने मेरे. आम तो सिर्फ भी लेते हैं. सो गाइज बैक फ्रॉम ग्रॉसरी शॉपिंग। ग्रॉसरी क्या मतलब, थोड़ा बहुत ही सामान लेना था और मेन तो बच्चों का सामान था, तो यहाँ हमारा सारा सामान आ चुका है। और इतनी थकान हो गई थी ना कि घर आके खाना बनाने की तो कोई हिम्मत ही नहीं थी, तो फिर हमें रास्ते में दिख गया एक छोले भटूरे की शॉप, तो हम लोगों ने वहाँ से आज छोले भटूरे पैक करा लिया, तो आज खाते हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं छोले भटूरे खा रही हूँ। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट छोले भटूरे शायद मैंने लॉकडाउन से पहले खाया था 2019 में, हाँ उसके बाद तो मैंने कभी छोले भटूरे नहीं खाया है। टिक्की गोलगप्पे वगैरह सब तो चलता रहता है पर छोले भटूरे कभी नहीं खाए, तो आज खा रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। इसने टी शर्ट क्यों नहीं पहनी, टी शर्ट क्यों नहीं पहनी? और आज हम खा रहे हैं क्या उत्सव, बहुत सालों बाद छोले, बहुत सालों बाद मतलब मेरे को तो याद भी नहीं है मैं कितने सालों की बात खा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने कब खाया था छोले, कितने टाइम बाद खाया था बताओ, मैंने कितने साल बाद खाया? मेरे ख्याल से कोरोना से पहले, कोरोना के बाद तो हम हल्दीराम गए नहीं यशवंत, नहीं और गए होंगे तो हमने ये नहीं खाया छोले भटूरे, तुमने खाया नहीं, तुम याद करो। यशवंत वो कोरोना के बाद पहले की बात है, मेरे ख्याल से कोरोना से पहले खाया था हमने 2019 में, 19 के बाद हम बिल्ली भी नहीं खाया, नहीं खाया काफ़ी सालों बाद खा रहे, इनको बोला था इनको कुछ नहीं पता होगा शायद, जितना मुझे याद है कोरोना से पहले हमने खाया था, बस के पापा कह रहे नहीं हमने कोरोना के बाद खाया, बट मुझे याद है कि हमने कोरोना से पहले खाया, नहीं आई डोंट थिंक सो। मतलब हर जगह के छोले भटूरे खा लो लेकिन जो छोले भटूरे हल्दीराम के होते हैं ना, मतलब वैसा छोले भटूरे का मज़ा मुझे और किसी छोले भटूरे में नहीं आता, क्योंकि वो मेरे ख्याल से जो हल्दीराम का जो छोला भटूरा बनता है
तो इसलिए क्रिस्पी भी होता है, लेकिन फिर भी जो वो तल के निकालते हैं ना तो वो तेल नहीं आता, मतलब इसलिए आता है। सूजी मिलाओ तो वही है, लेकिन खाने में हैवी वो भी लगता है। लेकिन ये जो नॉर्मल भटूर होते हैं ना, इसका अंदर का मैदा ना पका नहीं होता, मोटा मोटा बनता है ना, वही मोटी मोटी। काफी अच्छा होता है ना ये प्रोबायोटिक पेट के लिए, प्रोबायोटिक होता है ना बेसिकली, प्रोबायोटिक होता है ना, सही रहते हैं ये याकुल्ट वगैरह, प्रोबायोटिक होता है बच्चों के स्टमक के लिए, काफ़ी सही रहते हैं, तो हम लोग देते हैं बच्चों को, स्पेशली गर्मियों में और बरसातों में तो ज़्यादा, क्योंकि पेट ख़राब ज़्यादा होता है बच्चों का, तो अच्छा होता है। काफ़ी चेक कर लो अपना सामान बेटा, भाई के लिए आइए, तो किचन के लिए मंगाया है, अरे वो रस्सी बनाने के लिए नहीं होता प्लास्टिक का। चलो प्योर स्टील एक्स, हाँ बेटा इसको चेक करवा लो, सच्ची में मेरे लिए आया हो, नहीं तो शाम को चेंज करा देना ना। वो इसको अभी रहने दो उसी के अंदर, जब स्कूल लाएगा धो के रख देंगे इसे, ये थोड़ा उसके लिए रहता है ना, ये किस लिए में रखते हैं हम लोग बॉटल में, किस लिए होता है ये, स्मेल हटाने के लिए ना, तो अब जब यूज करेंगे तब फेंक देंगे अब इसको। यहाँ पे कर रहा है उत्सव, अनबॉक्सिंग कर रहा है, किसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं बेटा, ओ ओ ओ तेरी तो बनियान है, अपना बनियान एक बार चेक कर लेगा, ठीक है अच्छा लाया वो उत्सव के लिए है, चलो इसमें बनियान है उसको ट्राई मार ले। गाइस मेरे को अपने वोटर पे इतनी